हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मलाई से बनने वाले दो तीन डिश के बारे में बताऊंगी, जो कि एक मलाई है उससे हम मक्खन भी बनाएंगे, घी भी बनाएंगे, पनीर भी बनाएंगे और साथ में एक स्वीट डिश भी बनाएंगे। तो देखते रहिए इसे। यहाँ पर मैंने एक मलाई ली है, ये इस मलाई को मैं परात में अच्छी तरह चलाऊंगी। जब ये मक्खन निकल आएगा तब मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि ये इसका मक्खन कैसे निकला है। अगर मैं ऐसे ही आपको दिखाती रहूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए पहले इस मलाई का मैं मक्खन निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा इसको दिखाऊंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए, ये मक्खन अलग हो चुका है और इसका पानी अलग हो चुका है। ये देखिए, मलाई निकालने की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब आप मलाई फ्रिज में से निकालें तो ठंडी ठंडी ही इसे चलाएं। अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा निकलने में दिक्कत करेगी, तो इसीलिए मलाई का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा ये ठंडी होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर में भी आ गई है तो थोड़ा चलाने के बाद इसमें बहुत ठंडा पानी ऐड कर दीजिए या इसके साथ बर्फ़ के टुकड़े डाल लीजिए और फिर चला लीजिए, तब भी ये सही निकल आएगी। तो ये यहाँ पर मेरा मक्खन तैयार हो गया है अब, और इसके पानी को अलग कर लूँगी। तो उसके बाद मैं एक डिश आपको पनीर बनाकर दिखाऊंगी। पनीर इसका बहुत ही लाजवाब बनता है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ये छलनी ले ली है, इसमें मक्खन अलग करूँगी, इसका पानी अलग करूँगी। ये बर्तन है मेरे पास, इसमें मैंने मलाई रख रखी थी, इसी बर्तन में मैं इसको छानूंगी। और यहाँ पर मैंने एक बर्तन रख रखा है, कढ़ाई है मेरे पास, इसमें मैं ये मलाई जो है सॉरी ये मक्खन जो है मक्खन इसमें डालूँगी। इस टाइप से मैं सारे अलग कर लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये मक्खन मेरा रेडी है, और ये मक्खन के साथ साथ यहाँ पर इसका जो छान के जो ये पानी या दूध जो आप कहें वो निकला था वो है ये, और यहाँ पर है मक्खन। अब इस दूध से मैं पनीर बनाऊँगी, तो देखते हैं पनीर कैसा बनता है, आइए शुरू करते हैं। इसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और फुल आँच पर। जब ये बहुत अच्छी तरह उबाल आएगा तो हम इसमें एक इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे जिससे पनीर निकल आएगा। तो जब तक ये उबलता है तब तक देखते हैं, आइए। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें ये जो होता है वाइट सिरका, जिसे वाइट विनेगर भी बोलते हैं, इसे आँच में हल्की कर देती हूँ पहले। इसे बोलते हैं वाइट विनेगर या सफ़ेद सिरका, तो ये मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, इस कटोरी में मैं थोड़ा सा आप देख सकते हैं लगभग बड़ा 1 टेबल स्पून होगा ये थोड़ा सा सफ़ेद सिरका, और इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। डायरेक्ट सफ़ेद सिरका नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें ज़्यादा स्मेल ना आ जाए, वैसे स्मेल आती नहीं है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, अब मैं इसमें ये जो घोल है मैं इसमें डालूँगी इसे, और इसे 2 मिनट लगभग 1.5 या 2 मिनट तक पकाना होता है। जैसा बाज़ार का पनीर आप यूज़ करते हैं वैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए तैयार हो रहा है। इधर आप ये देख सकते हैं मैंने जो मक्खन निकाला था उसका घी बनने के लिए रख दिया है। घी बनाने के लिए मैंने मक्खन को बहुत सिम आंच पर बनने के लिए रखा है, और इसमें एक चमचा डाल दिया, इसी चमचे से मैंने मलाई चलाई थी, इसी चमचे को मैंने इसमें डाल दिया है, और धीरे धीरे अब ये पकता रहेगा। बस इस वक्त ये देखिए, अब ये काफ़ी उबल चुका है और ये पनीर इसका अलग भी हो चुका है। ये देखिए आप देख सकते हैं पनीर अलग हो चुका है, पानी अलग हो चुका है। अब मैं इसे छान लेती हूँ, गैस बंद कर दिया, अब मैं इसे छानने जा रही हूँ। यहाँ मैंने एक वो छलनी रख लिया और इसके नीचे एक बर्तन रख लिया है, अब मैं इसमें छानूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया पनीर निकल के तैयार हो रहा है। ये अब इसे मैं ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी कम से कम 5 से 7 मिनट। जब इसका पानी बिल्कुल निचुड़ जाएगा तो मैं एक इस कपड़े में इसे बांधूंगी। अब ये देखिए ठंडा हो चुका है। अब मैं एक मेरे पास यहाँ पर ये सूती दुपट्टा था, ये बिल्कुल मलमल का हल्का दुपट्टा है, इस दुपट्टे को मैं अब इस दुपट्टे में मैं ये पनीर लौटूंगी और इसे मैं अच्छी तरह बांध के, और अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए
लटका दूंगी, जिससे और एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद मैं इसे किसी भारी चीज़ के नीचे दबा दूंगी, जिससे बिल्कुल पनीर की इसमें शेप आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही सुपर टिप्स देने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। आधा घंटा हो चुका है, अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ये देखिए घी अलग हो चुका है और इसमें अंदर का ये जो होता है ये अलग है। थोड़ा देर और 5 मिनट और इसे पका लेंगे, जिससे अच्छी तरह घी पक जाए। पूरी प्रोसेसिंग में इसमें लगभग 40 मिनट लगेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये घी अलग हो चुका है और ये देखिए ये घी अच्छी तरह पक चुका है। अब मैं इस जाली के साथ मैं इसमें डालूंगी। ये मेरा पुराना ही कंटेनर है, इसे मैंने अभी खाली किया है तो धोने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले इसमें घी डाला था, वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं नया घी इसमें ऐड करूंगी, तो इसे मैं छानूंगी। धीरे धीरे ऐसे डालेंगे और इसके बाद ये अलग हो जाएगा ऊपर का और नीचे का घी अलग हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये घी के ऊपर का अलग हो चुका है और नीचे ये घी मेरे पास अलग निकल चुका है। तो ये लगभग 15 दिन की मलाई का था। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी कढ़ाई भी जल चुकी है। मैंने आपसे कहा था बीच बीच में चलाते रहिए, नहीं तो कढ़ाई के नीचे लग जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। एक्चुअली हमारे घर में बीच में गेस्ट आ गए थे, जिस कारण मैं इसे चला नहीं पाई, तो ये नीचे लग गया है। कोई बात नहीं, इसे साफ़ करने के लिए इसमें अच्छा सा मैं पानी भर के रख दूँगी। और पानी भरने के बाद थोड़ी देर बाद, लगभग एक घंटे बाद मैं इसको साफ़ कर लूँगी। बहुत ईजीली ये साफ़ हो जाएगा। उससे पहले अब मैं आपको बताऊँगी कि इसकी जो ये है, इसमें से अभी घी निकल रहा है, आप देख सकते हैं नीचे इसमें टपक रहा है अभी घी। जब तक घी टपक जाएगा इसमें से, उसके बाद मैं इसकी मिठाई आपको बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत हेल्दी भी होती है। क्योंकि अक्सर बहुत सा घी, अगर हम इसे दबा कर भी, बहुत गर्म हो रहा है ये, अगर हम इसमें थोड़ा सा दबा कर भी देखेंगे तो ये देखिए हाथ में कितना घी आ जाता है। तो इस ये वेस्ट नहीं होगा और घी भी आपको मिल जाएगा। आप अपने बच्चों को इसे खिलाइए, जिससे एक्स्ट्रा घी आपके बच्चे के अंदर जाएगा, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अभी इसे निकलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसी ही कढ़ाई में आपको बनाना बताऊंगी। ये वो, अब मैंने ये डाल दिया है इसमें और मैं थोड़ा सा इसे गर्म करूंगी। ये उसी कढ़ाई में मैंने इसे डाला है, देखिए। अब इसे थोड़ी देर गर्म होने दीजिए, कम से कम आधा मिनट। जब ये आधा मिनट हो जाएगा तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आधा मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर ये 3 चम्मच या 4 चम्मच तक ऐड कर लूँगी। ये काफ़ी है, बहुत मीठा भी नहीं अच्छा लगेगा। बस अब इसे मेल्ट करेंगे चीनी को और अच्छी तरह इसमें पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है, चीनी अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो चुकी है। बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब गैस बंद कर देती हूँ मैं। मैंने यहाँ गैस बंद कर दी है। अब गैस बंद करने के बाद अब मैं इसे एक प्लेट में लगा लूँगी। उसके नीचे कुछ भी हमें चिकनाई वगैरह नहीं लगानी है, क्योंकि इसमें खुद ही इतनी चिकनाई होती है। और तो देखिए, मैं इसमें प्लेट में लगा कर आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है, इस पर मैंने कुछ भी ग्रीसिंग वगैरह कुछ नहीं की है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको, मैं ये जो मैंने बनाया है, अब मैं इसको ऐसे फैला लूँगी। और अब मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसे फ्रिज में रख सकती हैं और आराम से ये कटिंग इसकी हो जाएगी। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में एक आपको सुपर टिप्स देने वाली हूँ जो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगी। इसमें एक सुपर टिप्स ये है कि आप जब भी अपनी मलाई को फ्रिज में रखती हैं, तब आप जब मलाई मक्खन निकाल लेती हैं, तो उसका जो मैंने आपको दूध सा दिखाया था वो अलग हो जाता है। तब आपके पास ये शिकायत होती है कि वो हमारा कड़वा हो जाता है। तो इसके लिए एक टिप ये है कि आप हमेशा अपनी मलाई को फ्रीजर में रखिए। जो फ्रीज़र जिसमें आइस जमाते हैं, उसमें अपनी मलाई के लिए एक जगह बनाइए और उसमें उसे रखिए। तो कभी भी आपका ना तो वो दूध
कड़वा होगा ना खट्टा होगा, और ना ये जो निकला है ये भी कई लोगों का कड़वा हो जाता है, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। और जो मक्खन हमारा निकला है मक्खन भी बिल्कुल भी कभी आपका कड़वा नहीं होगा। और हमेशा इसलिए ध्यान रखिए, मलाई हमेशा फ्रीज़र में रखिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स अब ये देख सकते हैं ये बहुत टाइट हो चुका है। अब हमारी ये मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी है और खाने में बहुत यम्मी लगती है। अब हम इसे कट करेंगे, ये देखिए हम पीसेस में इसे कट करेंगे। मैं भी कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे कट कर चुकी हूँ और इसके पीसेस देखिए कितने बढ़िया पीसेस इसके निकल के तैयार हुए हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है और यकीन मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि ये सारी टोटली घी की बनी हुई है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ इसे ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।